और इसी बीच पंजाब के गुरदासपुर में सीएम केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। इतनी कमजोर सरकार है, आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, झगड़ रहे हैं ये लोग, ये मंत्री उसके खिलाफ लड़ रहा है, उनका पंजाब का अध्यक्ष मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहा है, ये क्या पंजाब सरकार चलाएंगे? इतनी कमजोर सरकार पंजाब को अच्छी व्यवस्था, विकास, शांति नहीं दे सकती। आज पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सख्त, स्टेबल और ईमानदार सरकार देंगे पंजाब को। जब तक सख्त सरकार नहीं आएगी, जब तक स्ट्रांग सरकार नहीं आएगी, जब तक सख्ती वाली और ईमानदार सरकार नहीं आएगी, तब तक शांति बहाल नहीं हो सकती। इस किस्म के कांड, बॉम्ब ब्लास्ट, बेअदबी के कांड चलते रहेंगे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है पूरे देश के अंदर जो ईमानदारी के साथ काम करती है, दिल्ली के अंदर करके दिखाया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पंजाब के अंदर भी ईमानदार सरकार देंगे, सख्त सरकार देंगे, स्टेबल स्थिर सरकार देंगे, और ऐसी सरकार देंगे जो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। तो आज इस पावन धरती से, देशभक्तों की धरती से, मैं पंजाब के लोगों को एक गारंटी देके जा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, पंजाब में शांति व्यवस्था कायम करेंगे, हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे और पंजाब के अंदर भाईचारे को बढ़ाएंगे, भाईचारा सभी धर्मों, सभी जातियों के अंदर भाईचारा बढ़ाएंगे। इसके लिए हम 5 कदम उठाएंगे। सबसे पहला कदम, पुलिस के अंदर जितनी भर्तियां होती हैं सारी पैसे ले दे के होती कि नहीं? सचो की भी भर्ती पैसे ले दे के होती है, थाने की भी भर्ती पैसे ले दे के, एसपी की, एसएसपी की होती है कि नहीं होती है? और अभी सुन रहे हैं कि आज की मौजूदा सरकार में भी पुलिस वालों की भर्ती के रेट लगे हुए हैं, एसएसपी की भर्ती के इतने रेट, एसपी करेंगे, यह सब बंद होगा। ईमानदारी के साथ अच्छे पुलिस अफसरों को, एफिशिएंट पुलिस अफसरों को अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी ताकि वो पंजाब के अंदर सुरक्षा कायम कर सके, और अच्छे पुलिस अफसर को लगा के उसके काम में कोई एमएलए की दखलंदाजी नहीं होगी, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल दखलंदाजी नहीं होगी। जो अभी रमन बहल साहब ने कहा, एफआईआर की पर्चे की, रजिस्टर पर्चे की कॉपी जो है वो थाने के अंदर होगी, वो पर्चे की कॉपी एमएलए के घर पे नहीं होगी। पुलिस वालों के काम के आज में दखल अंदाजी बंद करेंगे। ये हमारे कुंवर विजय प्रताप साहब हैं, पुलिस में आईजी थे, ईमानदार अफसर थे, बरगाड़ी कांड की इन्होंने जांच करी, जांच करके इन्होंने बड़े बड़े लोगों को दोषी पाया, इनकी रिपोर्ट दबा दी गई, इनकी रिपोर्ट खारिज करा दी गई। आज अगर इस पुलिस अफसर को ईमानदारी से काम किए दे करने देते ये लोग, भाई साहब दोबारा बेअदबी नहीं होती, फिर बड़े बड़े लोग जेल में बैठे होते। ईमानदार पुलिस वालों को काम करने देंगे, उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे अफसर भी हैं, उनको काम नहीं करने देते, उनको साइड में बिठा के रखते हैं, बेईमानों को अच्छी पोस्टिंग मिलती है केवल, ये बदलेंगे। तो पहली ये गारंटी। दूसरी चीज, जितने पुराने अभी तक के बेअदबी के कांड हुए हैं और जितने बॉम्ब ब्लास्ट के कांड हुए हैं, एक एक कांड की जांच करा के समयबद्ध तरीके से उनके जो ऊपर आगू बैठे हैं, जो सबसे ऊपर उनके मास्टरमाइंड बैठे हैं, उनको जेल में चक्की पिसवाएंगे, उनको ऐसी सजा दिलवाएंगे कि दोबारा बेअदबी, किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, सिखों के धर्म की भी नहीं होनी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब जी की भी नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं के ग्रंथों की भी नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के ग्रंथों की भी नहीं होनी चाहिए, क्रिश्चियन के किसी के भी ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सजा दिलवाएंगे जिन्होंने अभी तक बेअदबी किया, दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। तीसरी चीज, बॉर्डर का, एक एक इंच बॉर्डर का हम सुरक्षा करेंगे ताकि वहां से कोई आतंकवादी ना आ सके और नशे का एक ग्राम भी वहां से, पाकिस्तान से इधर नहीं आने देंगे। चौथी चीज, कुछ अफसरों से मैं बात कर रहा था, ये आजकल ड्रोन बहुत आने लग गए पाकिस्तान की तरफ से, इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी फौजें, बीएसएफ, पुलिस, इनके पास साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए, इनको लेटेस्ट से लेटेस्ट
सबसे आधुनिक तकनीक देंगे, कोई ड्रोन आए तो सीधे उसको मार गिराओ, ऐसी तकनीक हम अपने फौजियों को देंगे। और पांचवी चीज, जितने भी अपने गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, डेरे हैं, हरेक की सुरक्षा करने के लिए अलग से पुलिस फोर्स बनाई जाएगी ताकि दोबारा कोई बेअदबी का कांड ना हो। तो ये पांच चीजें मैंने बताई हैं, पंजाब के अंदर शांति, सुरक्षा और भाईचारे का माहौल कायम करने के लिए। आज मैं पंजाब के लोगों को ये आश्वासन और गारंटी देके जा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो होगी ईमानदार होगी, सशक्त होगी, स्ट्रांग होगी और पंजाब के अंदर शांति का माहौल कायम करेगी। पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने गुटके की कसम खाई थी कि उनकी सरकार बनेगी तो एक महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। नशा खत्म हुआ? बड़ा है नशा, बड़ा है नशा, हर पिंड के अंदर नशा आज भी बिक रहा है, घर घर के अंदर नशा है। हमारे यूथ, हमारे युवा, हमारे बच्चे या तो कनाडा चले गए और जो बच गए वो बेचारे नशे के अंदर डूब गए। आज पंजाब का युवा क्राइसिस के अंदर है। क्या हुआ इनका? पांच साल बाद अब जब दोबारा चुनाव आए हैं तो इन्होंने मजीठिए के खिलाफ एक पर्चा दाखिल कर दिया। पांच साल लग गए इनको एक पर्चा दाखिल करने में और बब्बर शेर की तरह चिल्ला रहे हैं वो सिद्धू साहब और चन्नी साहब, हमने पर्चा कर दिया, हमने पर्चा कर दिया, हमने। अरे क्या कर दिया तुमने? एक पर्चा करने से पिंडों में ड्रग खत्म हो गई, नशा खत्म हो गया? मैं पूछना चाहता हूं, नशा बिकना बंद हो गया? वैसे ही नशा बिक रहा है। एक पर्चा करके चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब इनका मकसद नशा दूर करना नहीं है, इनका मकसद दोबारा चुनाव में वोट बटोरना है। पूरे पंजाब में नशा फैला हुआ है, हर पिंड में नशा फैला हुआ है। तो इसका मतलब बहुत बड़े बड़े नशा बेचने वाले डीलर बैठे हैं, हर जिले में बैठे हैं, हर हलके में बैठे हैं। उनको कौन पकड़ेगा? उनको नहीं पकड़ रहे। पूरे पंजाब के अंदर कितना नशे का स्टॉक पड़ा है? एक ग्राम नशा सीज किया इन्होंने, दबोचा इन्होंने, नहीं दबोचा। एक फर्जी पर्चा करके नौटंकी कर रहे हैं, बब्बर शेर बने फिर रहे हैं। पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, छह महीने मांग रहा हूं आपसे, छह महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। पार्टी हमारे साथ है ऐसे ऐसे कुंवर विजय प्रताप जैसे ईमानदार जांबाज पुलिस अफसर हैं, इनको करना आता है, हमें करना आता है, हमारी नीयत साफ है। इनकी तरह नौटंकी सरकार नहीं चला रहे हम लोग। आप में से दिल्ली कौन कौन गया हुआ है? किस किस के दोस्त यार रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? आपने सुना दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए? किस किस ने सुना है दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए? सरकारी स्कूल अच्छे हो गए दिल्ली के, शानदार। पहले जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में इतने खराब थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, डेस्क नहीं थे, बच्चे आते नहीं थे, टीचर आते नहीं थे, कोई माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने को राजी नहीं था, सारे बच्चे फेल होते थे, पढ़ाई नहीं थी। पांच साल के अंदर आज शानदार हो गए सरकारी स्कूल, ये इसी बात से अंदाजा लगा लो। इतने शानदार, इतनी सारे सरकारी स्कूल तोड़ के हमने नई बिल्डिंग बना दी, शानदार बिल्डिंग। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं, 99.7, 99.7%। कभी सुना भारत के इतिहास में? भारत के इतिहास में 99.7% नतीजे सरकारी स्कूलों के, प्राइवेट से बहुत ज्यादा नतीजे आए हमारे। इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में नाम भर्ती कराया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी भी आप पंजाब में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी में दाखिल कराओगे? कभी नहीं कराओगे। सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा। कितने लोग चाहते हैं कि पंजाब के स्कूल भी दिल्ली जैसे अच्छे बनने चाहिए? बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए?
चन्नी साहब को मैंने कहा, मैंने एक दिन ऐसी मीटिंग में कहा, मैंने कहा जी हम पंजाब के स्कूल अच्छे करेंगे, तो चन्नी साहब कहते हैं पंजाब के तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है। कहते हैं जी पंजाब के तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है, तो इसका मतलब उनकी कोई इच्छा नहीं है, अगर उनकी सरकार दोबारा आई तो ऐसे ही रहेंगे स्कूल। तो अगर अच्छे स्कूल चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दो, और अगर ऐसे ही स्कूल चाहिए तो कांग्रेस को वोट दे देना, मर्जी आपकी है। किसको वोट दोगे? अभी थोड़े दिन पहले मेरे को बहुत बुरा लगा, टीचरों की जो पंजाब के स्कूलों में टीचर हैं वो किसी बात पे हड़ताल पे थे। मैं साफ साफ कर दूं, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल अच्छे हुए हैं वो केजरीवाल ने नहीं करे, मैंने तो माहौल दिया था बस। हमारे दिल्ली स्कूलों के टीचरों ने सारी व्यवस्था बदली है, सारा श्रेय हमारे टीचरों को और प्रिंसिपल को जाता है। पंजाब के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मैं मिला हूं उनसे, पंजाब के टीचर भी काम करना चाहते हैं, पंजाब के टीचर भी शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं। माहौल खराब है, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी दिल्ली जैसा माहौल देंगे और यही टीचर आपको पंजाब के स्कूल शानदार करके दिखाएंगे। आपको पता नहीं पता है, ट्रंप साहब आए थे पिछले साल, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ दिल्ली आए थे मोदी जी से मिलने। जब वो दिल्ली आए तो उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप हमारा दिल्ली सरकार का स्कूल देखने आई, उसने कहा मेरे को दिल्ली सरकार का स्कूल देखना है।